हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमडीयू के बीएड के सब्जेक्ट में से जो जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। उसमें से एक टॉपिक है यूनिट 2 का। ये देखने को तो बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल सा है। तो इसमें क्या है, मेथड एंड वेज है जिसके जरिए हम चिल्ड्रंस एंड एडोलिसेंट का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि हैं, ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है उसके बारे में बताना है, इंटरव्यूज के बारे में बताना है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के बारे में बताना है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में बताना है और नैरेटिव्स के बारे में बताना है। तो ये टर्म्स बहुत ही ज़्यादा जनरल हैं, अगर आप ना भी पढ़ो तब भी आप कुछ ना कुछ तो लिखाओगे, लेकिन हो सकता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ये थोड़ा लेंथी वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन या प्राकृतिक अवलोकन या निगरानी। तो सिंपल देखो, इसमें दो वर्ड हैं, नेचुरलिस्टिक मतलब नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है निगरानी। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन जो कि नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है, रियल वर्ल्ड में हो रहा है, तो वो क्या है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। सपोज करो क्लास चल रही है तो वहाँ पर हम बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। हमें बेसिकली हमें बताना है इसमें कि बिहेवियर्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है इन पर्टिकुलर टेक्निक्स के जरिए। तो ये है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और ये क्या है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च का तरीका है। क्वालिटेटिव मतलब जिसमें हम गुण को देखते हैं किसी इंडिविजुअल के। तो इसमें जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपनी नेचुरल सेटिंग में है और जो ऑब्जर्वर है बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी इंटरप्शन के नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कर सकता है। तो ये एक इसका बेनिफिट है, मतलब क्लासरूम में बच्चे जो भी बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है टीचर ही उनकी ऑब्जर्वेशन करता रहे या हो सकता है कोई बाहर खड़ा हो और वो उनकी ऑब्जर्वेशन करता हो। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली ये टर्म आई कहाँ से, ये नॉलेज के लिए पढ़ लो, इसका कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो 1930 में क्या था, एक जूलॉजिस्ट थे कॉन्राड लॉरेंज, तो इन्होंने एक टर्म दी थी इम्प्रिंटिंग की। ठीक है, इम्प्रिंटिंग क्या होता है, एनिमल की लाइफ में लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड है। तो इन्होंने काम किया डकलिंग्स एंड गोजलिंग पे और उनका बिहेवियर स्टडी किया। ठीक है, इन्होंने और क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब डकलिंग्स ये होते तो वो जिसको भी सराउंडिंग में देखते हैं उसे ही अपना पेरेंट मानने लगते हैं, उसे ही अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं के एक्शंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के जरिए इसका पता लगाया और इन्हीं चीज़ को बाद में फिर इसकी अप्लीकेशन अलग अलग जगह होने लगी और क्लासरूम्स में और एजुकेशनल फील्ड में भी होने लगी। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है कि टॉम एंड जेरी सबने देखा होगा कार्टून, एक डकलिंग होता है, डकलिंग जेरी को अपनी मम्मी समझने लगता है ना, तो उनका क्या है, बेसिक लर्निंग उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि जिसको भी पहले देखते हैं उसी को अपना पेरेंट्स समझने लगते हैं। तो इसी वे से हम कह सकते हैं कि नेचुरलिस्टिक जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको बिहेवियर स्टडी करने में और एक्शंस को स्टडी करने में मदद मिलती है, चाहे वो फिर चिल्ड्रंस की हो चाहे वो फिर एडोलिसेंट की हो। चलो देन आते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उनका बिहेवियर ट्रैक कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को चेक कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, सभी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी नेचुरल सेटिंग में और किस किस पर्टिकुलर जो भी सिचुएशंस हैं उनमें कैसा बिहेवियर उनका रहता है। तो हो सकता है डायरेक्ट करें या हो सकता है ऑडियो वीडियो सोर्स के जरिए करें, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग होते हो और उनका ऑब्जर्वेशन कोई और करता हो। चलो इसके टाइप्स क्या हैं, कोवर्ट एंड ओवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है गुप्त, ओवर्ट का मतलब होता है खुले तरीके से। तो कोवर्ट का मतलब है या तो हम छिपके करें, छिपके इन द सेंस है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख के, राइट। और ओवर्ट का मतलब है खुले तरीके से कि कई बार हमें कहा जाता है ना कि आज ऑब्जर्वर आएंगे और आपको क्लास में बहुत अच्छे से बैठना है, तो वो एक तरीका है। देन है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। तो पार्टिसिपेंट में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो एक पार्ट बन जाता है टीम का और जो भी बच्चे करते रहते हैं वो उनके बिहेवियर्स को स्टडी करता रहता है। नॉन पार्टिसिपेंट में क्या है, वो साइडलाइन, ये मतलब अलग खड़ा हो जाएगा और उनके बिहेवियर को स्टडी करेगा। तो ये कुछ
टेक्निक्स हैं, टाइप्स हैं मतलब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की। डाटा कलेक्शन कैसे हो सकता है? ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स के जरिए। ऑब्जर्वर नैरेटिव, ऑब्जर्वर नैरेटिव का मतलब ये है कि सपोज मैंने ऑब्जर्व किया और मैं फिर नोट्स बना लूँगा या लिख लूँगा और उसको बाद में फिर जो मेन ऑब्जर्वर होगा उसको बता दूंगा, या मैं अपने नोट्स को ही बाद में देख लूँगा कि पर्टिकुलर भाई ये बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे थे। टैली काउंट क्या है? टैली काउंट का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जर्वर है वो राइट डाउन करेगा कि कितनी बार पर्टिकुलर बिहेवियर अकर हुआ है पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना। कई जैसे कंधे हिलाते हैं क्लास में बैठे रहते हैं, या कोई ऑफेंसिव बिहेवियर करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, तो कितनी बार वो बिहेवियर हो रहा है उसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। इवेंट सैम्पलिंग क्या होती है कि पर्टिकुलर इवेंट में कैसा वो बिहेव कर रहे हैं। सपोज डिस्कशन हो रहा है तो कैसा बिहेवियर है, क्विज हो रहा है तो कैसा बिहेवियर है, या नॉर्मल क्लासरूम चल रही है तो बच्चों का कैसा बिहेवियर है। तो ये क्या है? इवेंट सैम्पलिंग, किस इवेंट में बच्चों का कैसा बिहेवियर है। देन है एडवांटेजेस, तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम मैनेज की, कभी भी किया जा सकता है, कोई बहुत इसके लिए कोई अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। इकोलॉजिकल वैलिडिटी है क्योंकि पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करें तो वो वैध है, राइट, वो वैलिड है जो भी ऑब्जर्व कर रहा है। और ये क्या है, इसमें हम अलग अलग इनोवेशन कर सकते हैं, सिचुएशन बदल सकते हैं, उनके पीयर बदल सकते हैं, है ना, और ये चेक कर सकते हैं कि किस तरह से बच्चा अडेप्ट कर रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव है, किसी भी तरह का अलग से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में बच्चे जैसे भी पढ़ रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर लो। डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि नेचुरलिस्टिक है तो जैसा बिहेवियर करें हमें वैसा ही उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देन है एथिकल कंसिडरेशन, तो कई बार लर्नर जो होते हैं वो ऑब्जर्व्ड होना नहीं चाहते हैं, तो ये एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और क्या हो सकता है, ऑब्जर्वर कई बार हो सकता है बायस्ड हों या पार्शियल हों। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक इंटेलिजेंट बच्चा है, उसका बिहेवियर ऑफेंसिव है, एग्रेसिव है, तो टीचर कई बार सोच सकता है या ऑब्जर्वर सोच सकता है कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसका बिहेवियर ठीक रहता है, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कुछ हो गया हो तो उससे गलती हो गई, तो बायसनेस कभी कभार आ जाती है। और क्या है, सब्जेक्ट जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब जो भी लर्नर्स हैं उनमें भी सब्जेक्ट बायसनेस आ जाती है, मतलब उनको पता चल जाता है कि ऑब्जर्व कर रहा है भाई कोई, और फिर वो वही बिहेवियर करेंगे जो कि वो दिखाना चाहते हैं। ये तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चलो देन है इंटरव्यू, तो सिंपली इंटरव्यू या साक्षात्कार क्या है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में कन्वर्सेशन है ना, वन ऑन वन कन्वर्सेशन है, तो इसमें जो भी पर्सन सवाल पूछता है वो होता है इंटरव्यूअर या इन्वेस्टिगेटर, और जो पर्सन रिप्लाई करता है वो होता है रिस्पोंडेंट और इंटरव्यू, आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख देना। टाइप्स पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है तो इसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं और उनके एक्सेप्टेड आंसर हैं, राइट। फॉर्मल इंटरव्यू प्री प्लान्ड है कि भाई इस टाइम को इस जगह पे आपका इंटरव्यू होगा। इनफॉर्मल इंटरव्यू प्री प्लान्ड नहीं है, कभी भी हो सकता है, टीचर आपके पास बैठता है ना और आपसे सवाल पूछने लगता है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल इंटरव्यू है। और इसके जरिए भी ये सारे मेथड देखो इसीलिए हैं कि हम बच्चों का, चिल्ड्रन का और किशोर का, एडोलिसेंट का, उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकें, राइट, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट कर सकें कि क्यों पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर कोई बच्चा या एडोलिसेंट कर रहा है क्लास में। देन है ग्रुप इंटरव्यू, अगर प्रॉब्लम सेम सी है और पर्पस सेम सा है तो पूरे ग्रुप को ही इंटरव्यू कर सकते हैं, राइट। देन है ऑनलाइन इंटरव्यू, आजकल ऑनलाइन जूम गूगल मीट के जरिए भी हम इंटरव्यू ले सकते हैं। देन है डिसिप्लिनरी इंटरव्यू, अगर किसी बच्चे ने कोई रूल ब्रेक किया है तो उस सिलसिले में भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्यों ये डिसिप्लिन ब्रेक किया और रूल ब्रेक किया और इसके पीछे क्या कारण था, तो कारण जान के हम फिर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या उनके बिहेवियर्स को ठीक कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, सॉरी, इंडिविजुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उन्होंने क्या सीखा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको उसके बारे में हमें पता चल जाता है, हम इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं टेस्ट के जरिए और फॉर्म्स के जरिए कि जो भी बच्चे ने बताया है वो ठीक है या नहीं है, राइट।
इंटरव्यू को हम टाइम टू टाइम कंडक्ट कर सकते हैं ताकि बिहेवियर्स क्यों अच्छे नहीं हो रहे हैं और उन पे फिर काम किया जा सके। तो टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर इंटरवल पे इंटरव्यू लिए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हो सकता है जो लर्नर है वो सब कुछ रिवील ना करे, और ये बहुत कॉमन है। और क्या है, डिजायर्ड बिहेवियर ही लर्नर दिखाए, है ना, और डिजायर्ड आंसर ही दे, तो ये थोड़ी ड्रॉबैक है। देन है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बेसिकली क्या होते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं कि प्लेस और नोटबुक वे स्टूडेंट राइट अबाउट देयर सेल्फ ऑन डेली बेसिस। कि स्टूडेंट हो सकता है ऐसी जगह या ऐसी नोटबुक जिसमें बच्चा डेली बेसिस पे अपनी एंट्रीज कर रहा है, जो भी वो लाइफ में कर रहा है, जो भी उसके साथ हो रही है, वो एंट्रीज कर रहा है अपनी नोटबुक या डायरी में, लेकिन लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड। बेसिकली रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को हम इसी वे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स जो भी वो लिख रहा है बच्चा, पर्टिकुलर बच्चा, चिल्ड्रन या एडोलिसेंट, तो हो सकता है उनमें अच्छी बातें भी हों और हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो सभी कुछ लिख रहा है और वो उसका एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जैसे कि इस इमेज में देखते हो। तो हम वही लिखते हैं जो हमारे साथ हो रहा है, और जो भी हम लिख रहे हैं तो उसको कोई स्टडी करके ईजिली हमें ऑब्जर्व कर सकता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसी वे में रिफ्लेक्टिव जर्नल्स भी काम आते हैं टीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि चिल्ड्रन में, एडोलिसेंट में किस तरह का बिहेवियर है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद हम उनको ठीक कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को रिफ्लेक्टिव डायरी भी कहते हैं। तो एजुकेशन में रिफ्लेक्टिव जर्नल बेसिकली क्या है, पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट के कि उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे हो रहे हैं, और ये हमें हेल्प करता है उसके लर्निंग इवेंट्स को जानने में, स्टूडेंट की लाइफ में जो भी चल रहे हैं, राइट। और हो सकता है उसमें स्टडी से रिलेटेड बातें हों, लाइफ से रिलेटेड बातें हों, फैमिली और फ्रेंड्स की भी बातें हों, तो हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी कि बच्चे के लाइफ में क्या चल रहा है। पर्पस क्या है रिफ्लेक्टिव जर्नल का, तो पर्पस यही है कि उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को लिखना इन डिफरेंट वे, तो इससे हमें लर्नर के बारे में इंसाइट मिल जाती है और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हैं उसकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और फ्यूचर एक्शंस को ठीक किया जा सकता है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल के ये पर्पस है। चलो देन आते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को डिफाइन किया जा सकता है कि ये ब्रीफ नोट हैं, ठीक है, जो कि टीचर्स और ऑब्जर्वर्स के जरिए लिखे जाते हैं जब वो बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज मैंने एक बच्चे को देखा वो किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन में काम कर रहा है, तो उसको मैं एक ब्रीफ नोट की तरह लिख लूँगा कि ही इज डूइंग, ही इज क्राइंग, ही इज हेल्पिंग अदर्स, ही इज अगेन क्राइंग। तो ये क्या है, ब्रीफ नोट है, और जब भी उसको मैं देखूँगा तो मुझे भी पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चा क्या कर रहा था, और अगर और कोई टीचर भी देखेगा तो उसको भी एक आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी भी कंटेक्स्ट में बच्चे का बिहेवियर कैसा है। तो एनेक्डोटल को इसी तरह से समझना कि ये ब्रीफ नोट हैं बच्चे के बारे में जो कि टीचर्स के द्वारा या ऑब्जर्वर्स के द्वारा लिखे गए हैं, राइट। ब्रीफ नोट में क्या हो सकता है, उनके बिहेवियर्स के बारे में जो कि हमारे टॉपिक डिमांड है, बिहेवियर्स हो सकता है, या वो लिटरेसी में कैसा करें, मैथमेटिक्स में, साइंस में, आर्ट्स में, इमोशनल डेवलपमेंट कैसी है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसी है, सभी के बारे में हम लिख सकते हैं, ओके। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि व्हाट चिल्ड्रन डू एंड से, कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या कह रहा है, राइट। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को और क्या कहते हैं, रनिंग डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव रिकॉर्ड्स। लेकिन नैरेटिव अलग टर्म है, नैरेटिव में डिटेल्ड होता है, एनेक्डोटल में ब्रीफ होता है, राइट, छोटे फॉर्म में होता है। नैरेटिव में पूरी स्टोरी काइंड ऑफ थिंग या पूरा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन होता है। चलो देन है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में कि दिस शुड हैव राइट डिस्क्रिप्शन एंड इनफ डिटेल, है ना। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, तो ये एक एग्जांपल है, आई होप आपको इससे थोड़ी आसानी होगी एनेक्डोटल रिकॉर्ड को समझने में। तो द चाइल्ड वॉज क्रिएटिव, ये लिखने के बजाय एक टीचर या ऑब्जर्वर ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन लिख सकता है और उसमें इनफ डिटेल हो कि द स्टूडेंट बिल्ट ए टावर फ्रॉम कलर्ड क्यूब्स
creating an AB pattern after looking at a card that showed a similar alternating pattern. कि बच्चे ने कलर क्यूब को यूज करके एक टावर बनाए जैसा कि एक कार्ड में दिया गया था. तो ये क्या हो गया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गई, राइट. और जो भी उसको बाद में देखेगा तो समझ जाएगा पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चा कैसे क्या कर रहा था, उसका बिहेवियर कैसा था या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसा कर रहा था वो. देन ये यूज किए जा सकते हैं बच्चे के असेस करने में कि उसका अचीवमेंट कैसा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसी है, गोल्स के प्रति. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट काइंड ऑफ थिंग हो, टाइम टू टाइम होते हों, और क्लासरूम परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को ड्राइव करने के लिए यूज किए जाते हैं. मतलब एक टीचर को सबके बारे में पता होता है तो कहीं ना कहीं लिखता रहता है, एक्सपीरियंस के बाद तो उसको दिमाग में ही पता रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखना बहुत कॉमन है या अच्छी प्रैक्टिस है. हालांकि टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है, सभी बच्चों के बारे में ओवरऑल डिटेल रहती है. इसमें क्या होता है, बच्चे का नाम, डेट, बच्चे ने क्या पर्टिकुलर काम किया, पर्टिकुलर स्किल किया उसमें, उसके पीयर ने कैसी उसकी हेल्प करी, कहाँ पे बच्चा था, किसके साथ बच्चा था और आगे वाला स्टेप क्या था. तो ये बेसिक असेंशियल एलिमेंट्स हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड के. देन आता है नैरेटिव, जिसको कहते हैं आख्यान कथा, आख्यान या कथा मतलब. चलो देन आते हैं नैरेटिव ऑब्जर्वेशन. तो एनेक्डोटल में ब्रीफ में था, इसमें डिटेल्ड अकाउंट है कि किस तरह से बच्चा बिहेव कर रहा है पर्टिकुलर क्लासरूम में, राइट. बेसिकली तो ये एलिमेंट्री एज के बच्चों के लिए ज़्यादा यूज होता है ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकें कि कैसे बच्चा बिहेव कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे उसकी प्रोग्रेस है. और ये बहुत ही कॉमन मेथड है डाटा को रिकॉर्ड करने का बिहेवियर्स की टर्म्स में बच्चों की, ठीक है. नैरेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, बच्चे का नाम, डेट एंड टाइम, बच्चे की एज, एग्जैक्ट एज, ईयर्स एंड मंथ में, ऑब्जर्वर का नाम और कहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुई है, मतलब फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है. ये क्या है, डिटेल ऑब्जर्वेशन देगा बच्चे की. सिक्वेंशल मैनर में किया जा सकता है, राइट, कि पहले आया तो कैसा था, फिर बाद में कैसा उसका बिहेवियर हुआ, फिर लास्ट में कैसा बिहेवियर हुआ. वो हो सकता है पर्टिकुलर क्लास के सिलसिले में या जब बच्चे का नया एडमिशन हुआ तब या पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, ठीक है. नैरेटिव का मतलब बेसिकली क्या है कि जब हम पूरी कथा सुनाते हैं, राइट, डिटेल्ड वर्जन होता है बच्चे का, तो वो चीज़ है ये. तो टीचर्स को हेल्प मिलती है इससे क्योंकि पूरा रिकॉर्डेड है, सब कुछ रिकॉर्ड है और हमें पता चलेगा बच्चा कैसे कैसे ग्रो कर रहा है या उसकी अचीवमेंट कैसी है, ठीक है. जो नैरेटिव रिकॉर्ड होते हैं वो हमें हेल्प कर सकते हैं कि डिजायर्ड बिहेवियर कैसे हासिल किया जाए लॉन्ग टर्म में. क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा था, कैसा बिहेवियर था और उन पे काम करके हम लॉन्ग टर्म में उनका बिहेवियर ठीक कर सकते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड पनिशमेंट काइंड ऑफ थिंग. नैरेटिव ऑब्जर्वेशन हमें हेल्प करती है कि क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिसके कारण बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं है और फ्यूचर डेवलपमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. टीचर्स और पेरेंट्स आपस में मिल के काम कर सकते हैं बच्चे के बेटरमेंट के लिए और अलग अलग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट. डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि डिटेल्ड रिकॉर्ड लिखना है, डिटेल्ड वर्जन है रिकॉर्ड का, ऑब्जर्वेशन का, तो इसमें टाइम ज़्यादा है, एक्स्ट्रा बर्डन है टीचर्स के लिए और कहीं ना कहीं टीचर्स का एटीट्यूड भी मैटर करता है, राइट. बहुत बड़ी क्लास है तो उसमें हम अलग अलग बच्चे का अलग अलग डिटेल्ड वर्जन नहीं लिख सकते, ओके. स्टूडेंट भी क्या होते हैं, कई बार अवेयर होते हैं और वो वैसे ही बिहेवियर करेंगे जैसा परफेक्ट है, राइट. तो ये भी एक दिक्कत है. तो ये कुछ ड्रॉबैक थे नैरेटिव ऑब्जर्वेशन के. तो सभी के नाम में ही बहुत कॉमन है. सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरलिस्टिक, उसमें बिल्कुल उनकी नेचुरल सेटिंग में. देन इंटरव्यू, दो लोगों के बीच में ऑब्जर्वर क्वेश्चन करेगा, स्टूडेंट बताएंगे, तो उससे भी हमें बिहेवियर का पता चल जाएगा. देन है रिफ्लेक्टिव जर्नल. रिफ्लेक्टिव वर्ड ही जब आ गया तो इट्स मीन कि वो एक इंडिविजुअल को रिफ्लेक्ट कर रहा है. और रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपना अपने बारे में जो भी लिख रहे हैं वो हेल्प करेगा बच्चों के बिहेवियर्स को, उनकी लाइफ को जानने में. तो चिल्ड्रन की लाइफ में क्या चल रहा है, एडोलिसेंट की लाइफ में क्या चल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा
हेल्प मिल जाएगी। एनेक्डोटल रिकॉर्ड है कि बच्चों का ब्रीफ ब्रीफ रिकॉर्ड है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर सेटिंग में बच्चा कैसा कर रहा है। और देन लास्ट में नैरेटिव ऑब्जर्वेशन में डिटेल्ड रिकॉर्ड है बच्चे का, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में आए तो प्लीज़ अटेम्प्ट कर देना इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।